एक हाथी के ट्रेन से कट जाने पर पायलट के साथ क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसके कटने पर, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, हाथी, शेर, गैंडा आदि के ट्रैक पर यानी कि ट्रेन से कटने पर क्या कुछ हो सकता है और पायलट के साथ क्या हो सकता है। सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ट्रैक पर कटने वाले जीवों में से सबसे ऊपर यदि नाम आता है तो वो है गोवंश का। जी हाँ, गाय वगैरह ट्रैक पर अधिकतम कटने वाले जीवों में से है और इसमें गलती होती है उन लोगों की जो इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं दूध पीने के बाद, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऐसे ही बकरियां, कुत्ते वगैरह भी ट्रेन के सामने काफ़ी आ जाते हैं और कट जाते हैं। ये तो बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं और मनुष्यों के कटने की संख्या भी बहुत अधिक है। कुछ लोग ट्रैक पर सुसाइड करने आते हैं तो कई लोग जाने अनजाने में ट्रेन से कटकर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि यदि ट्रेन के आगे हाथी आ जाए तो क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो हाथी एक बहुत बड़ा जीव है और जब वो ट्रेन के सामने आएगा तो ट्रेन के टक्कर होने के बाद ट्रेन को भी भारी नुकसान होगा और ट्रैक पर पड़ा हुआ हाथी हट ही नहीं पाएगा। यानी कि अगर ट्रैक पे ट्रेन से हाथी को टक्कर लग जाती है तो हाथी, मान लीजिए ट्रैक पर गिर गया, तो उसको हटाने के लिए बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ेगी क्रेन वगैरह से। और बहुत सी जगह तो ऐसी है जहाँ पर बड़े बड़े जंगल हैं, वहाँ पर क्रेन वगैरह भी नहीं पहुँच पाती, तो इसमें रेलवे को भी भारी नुकसान होता है। और ऐसा नहीं है कि यदि बड़ा हाथी आए तो ही ट्रेन का पायलट ब्रेक लगाएगा। ट्रेन के पायलट को निर्देश दिए गए होते हैं कि यदि छोटा हाथी यानी कि हाथी का बच्चा, जिसको टक्कर लगने के बाद ट्रेन को कोई हानि भी नहीं होती, यानी कि गाय के जैसा ही होता है, छोटा बच्चा एक ज़्यादा बड़ा नहीं होता, अगर वो भी ट्रेन से कट जाता है तो भी पायलट को उसके लिए लीगल प्रोसेस से होकर गुजरना होगा, जैसे कि पूरा डाटा देना होगा कहाँ क्या कैसे हुआ। उसके बाद वन विभाग वाले भी पायलट पर और रेलवे पर केस कर देते हैं। तो हाथियों के लिए रूल ये बनाया गया है, जहाँ भी एलिफेंट कॉरिडोर होते हैं यानी जहाँ भी हाथी निकलने की संभावना होती है, उनको रेलवे में एलिफेंट कॉरिडोर बोला जाता है, तो उन एलिफेंट कॉरिडोर में पायलट को दिशा निर्देश होते हैं कि आपको अधिकतम जो गति रखनी है यानी कि मैक्सिमम जो स्पीड रखनी है ट्रेन की, वो 30 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक नहीं होनी चाहिए। या फिर जैसे सर्दियों में कोहरा वगैरह, धुंध वगैरह ज़्यादा होती है, तो ऐसे में पायलट अपने अनुसार कि जितना वो कंट्रोल कर सके, या जहाँ पर हाथी ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं तो वहाँ पर क्या है, पायलट इतनी स्पीड कम कर लेता है कि यदि उसको 1% भी ऐसा लगता है कि हाथी है तो वो अपनी गाड़ी को रोक सके, यानी कि बिल्कुल अंडर कंट्रोल रखता है गाड़ी को। तो ट्रेन के सामने यदि हाथी आ जाए, इसके बारे में हमने आपको बता दिया, यही इस बारे में डिटेल्स है। यदि आपको और कुछ इस बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं यदि ट्रैक पर कोई और बड़ा जीव आ जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, यदि ट्रैक पर गाय भी है या गाय का कोई झुंड है और पायलट उसको दूर से देख लेता है कि कोई चांस नहीं है इनके हटने का, यानी 10-12 गाय हैं या 2-3 गाय हैं, तो पायलट ब्रेक लगा ही लेता है, क्योंकि दूर से दिखने पर गाड़ी को रोकना थोड़ा सरल होता है, क्योंकि वो पायलट पहले से ही गाड़ी को नियंत्रण में कर लेगा। और अब जैसे कोई दूसरा जीव आ जाए, देखो किसी जीव के लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है रेलवे में एक हाथी को छोड़कर, तो भी जैसे कई बार, एक बार काजीरंगा से एक राइनो गैंडा आ गया था, तो उसके लिए लुकआउट नोटिस देते हैं पायलट को कि ऐसे करके एक राइनो, एक गैंडा काजीरंगा से
इधर आया हुआ है तो आपको थोड़ा कॉशियसली यानी कि ध्यानपूर्वक गाड़ी को चलाकर जाना होगा। और यदि आपको कहीं ऐसा कुछ दिखता है आसपास, यानी कि वो ट्रैक के आसपास आपको गैंडा दिखता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी स्टेशन मास्टर को और गाड़ी को भी तुरंत वहीं पर खड़ा करना होगा या फिर बिल्कुल धीरे से वहाँ से निकलना होगा ताकि उसको बिल्कुल भी हानि ना हो। तो वैसे कई बार देखा गया है, कई बार शेर चीते भी ट्रेन से कट जाते हैं क्योंकि उन बेचारों को नहीं पता कि जंगल में जो ट्रैक है, जो ट्रैक बिछाया हुआ है, उस पर कब ट्रेन आएगी या फिर क्या कुछ है, क्योंकि वो तो वहाँ पर रहते हैं पहले से और अभी ट्रैक बिछा दिए गए हैं जंगलों में, तो वो बेचारे समझ नहीं पाते और इस कारण कभी कभी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। और आपको इस वीडियो से संबंधित या ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर दोबारा से वीडियो बना देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।